जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। तो ये व्हाइट शर्ट है और ये मुझे थोड़ा अर्जेंट देना है, तो इसको मैं ना मशीन में वॉश करूँगा, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको वॉश करने वाले हैं, क्लीन करने वाले हैं, व्हाइट करने वाले हैं दोस्तों। और कस्टमर्स को स्टार्च भी नहीं चाहिए, बट हमें क्लीन करना है और अच्छे से इनमें व्हाइटनेस लानी है दोस्तों। तो चलो सिंपल सी प्रोसेस है, दिखाता हूँ आपको, बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। ये मैंने आधी बकेट गर्म पानी लिया है और ये जो है ना, इसमें जो ब्लीच पाउडर जो होता है, आपने ब्लीच का घोल बनाते हुए मुझे देखा होगा मेरी वीडियोस में, तो इसमें ब्लीच पाउडर डाला है। मेरी वाइफ ने इसमें ये ब्लीच पाउडर शॉप से लेके आई है, तो ये ब्लीच पाउडर इसमें डाल देती है, इसमें थोड़ा सोडा एश डाल देती है और डिटर्जेंट पाउडर डाल देती है। ये टॉयलेट बाथरूम क्लीन करने के लिए यूज होता है, फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज होता है, तो मैं इससे व्हाइट कपड़े वॉश करूंगा। और ब्लीच पाउडर फ्लोर क्लीनिंग, टॉयलेट बाथरूम क्लीनिंग में यूज होता है, तो आप वहां से ले सकते हैं, आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो ये रहा गर्म पानी, और इसमें सिर्फ हम ना, जो कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें डिस्टेम्पर वाला मिक्सचर हो जाता है, तो ये सिर्फ नॉर्मल पानी की जैसा है, वो पाउडर वाला सारा जो इंग्रेडिएंट है ना, नीचे बैठ गया है दोस्तों। और देख लीजिए अभी इसको, इसमें चिकनाहट है ही थोड़ी सी, बट इसमें मैं थोड़ा सोडा ऐश और डालूंगा। तो ये रहा सोडा ऐश, अब इसमें अच्छे से चिकनाहट भी आ गई है और ब्लीच भी इसमें अभी ऑलरेडी है ही। मतलब ये है ना, घर के लिए यूजफुल है दोस्तों, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर यही पे मुझे अगर 50-60 कपड़े अगर ड्राई क्लीनिंग करने होते ना, तो मैं ये से और थोड़ा ज्यादा ब्लीच में यूज कर लेता दोस्तों, बट थोड़े एक दो ही कपड़े हैं, तो इसको मैंने नॉर्मल गर्म पानी और ब्लीच का जो पाउडर के साथ में नहीं लिया है, पाउडर नीचे बैठा हुआ है इसमें, ऊपर का सिर्फ हमने पानी ही लिया है दोस्तों। तो चलो इसको करेंगे अभी, इसको ठंडा होने देता हूँ, उसके बाद में मैं नॉर्मल वॉश कर दूंगा दोस्तों, और लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका व्हाइटनेस वगैरह आया है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये कपड़े थे जिनको मैंने ब्लीच में सोकिंग किया था, ब्लीच के पानी में, तो ये लगभग क्लीन हो गए हैं, और इसमें जो स्टेन है ना, ये भी बहुत लूज हो गए हैं। अभी इसको सिर्फ थोड़ा सा ब्रश करना पड़ेगा, थोड़ा सा वॉश करना पड़ेगा, फिर इसके बाद में मैं इनको लिक्विड ब्लू और टिनोफॉल दूंगा दोस्तों, टिनोफॉल और लिक्विड ब्लू दूंगा इनको व्हाइटनेस के लिए। तो बस अभी मैं इनको वॉश करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, व्हाइट कपड़ों को ब्लीच का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, वॉश भी हो गए वो प्रॉपर, अभी इनको थोड़ा सा हम टिनोफॉल यूज करेंगे नेचुरल व्हाइटनेस के लिए। और लिक्विड ब्लू एकदम थोड़ा सा स्नो व्हाइटनेस के लिए दोस्तों। इसको भी हाइड्रो मशीन में डालेंगे। इस तरह से हाइड्रो मशीन हमने बंद कर दिया है। तो एकदम बढ़िया से व्हाइट दिख रहे हैं दोस्तों। और सारे कप कॉलर अच्छे से वॉश करने के बाद में, सोकिंग करने से सारा मैल है ना, वो सारा लूज हो गया, स्टेन वगैरह जो थे वो निकल गए, तो ये इस तरह से पूरे व्हाइट हो गए दोस्तों। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जो आप घर पर भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यही तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ,
या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।